हेलो एवरीवन, मैं मनीषा भारद्वाज। मैं अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करती हूँ और आज मैं शेयर करने वाली हूँ मुरमुरे की बर्फी। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और बिना स्किप किए हुए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। मुरमुरे की बर्फी बनाने के लिए हमें इन सारी सामग्रियों की आवश्यकता है। 500 ग्राम मुरमुरा लिया है और 250 ग्राम गुड़। तो हम गैस ऑन कर लेते हैं और इस पे कढ़ाई चढ़ा देते हैं। हमारा जो कढ़ाई है वो गर्म हो चुका है और अब हम इसमें मुरमुरे को डाल देते हैं। और इसे हम करारा होने तक भून लेते हैं। हमारा जो मुरमुरे है वो बहुत ही अच्छी तरह से करारी हो गया है। इसे चेक करने के लिए ये देखिए, हम गैस ऑफ करके मुरमुरे को दूसरे बर्तन में पलट लेते हैं। वापस से गैस पे कढ़ाई चढ़ा दिए और 1 चम्मच हम इसमें घी डाल देते हैं। घी जब हमारा अच्छे से मेल्ट हो जाएगा फिर हम इसमें गुड़ को डालेंगे। घी डालने से हमारे जो मुरमुरे के चिक्की हैं उसके ऊपर बहुत ही अच्छी शाइन आती है। घी हमारा मेल्ट हो चुका है और अब हम इसमें गुड़ डाल लेते हैं। अब इसे चलाते हुए हमें इसे मेल्ट करना है। हमारा जो गुड़ है वो मेल्ट हो चुका है और इसे हमें पकाना है। गुड़ हमारा पकना शुरू हो गया है और इसमें बबल्स आने शुरू हो गए हैं। ये थोड़ा सा और पक जाए, लगभग इसमें 2 से 3 मिनट हमें और पकाना है, फिर हम इसमें मुरमुरे डाल देंगे। गुड़ से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है और देखिए हमारा जो गुड़ है वो अच्छे से पक गया है और अब हम इसमें मुरमुरे डाल देते हैं। अब हम इसे मुरमुरे डालते जाते हैं और इसे मिक्स करते जाते हैं। गुड़ और मुरमुरे अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम एक सिल्वर पेपर लिए हैं और इस पे हम अच्छे से घी को लगा देते हैं। अब हम इस पे इस मिक्स को डाल देते हैं। हाथ में अच्छे से घी लगा के और इसे फैला देते हैं। हम इसे फैला दिए हैं और इसे थोड़ा सा गर्म में ही फैला दें। अब इसे 10 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। 10 मिनट बाद ये अच्छे से सेट हो जाएगा, फिर हम इसे कट करेंगे। 10 मिनट हो गया है और हमारा मुरमुरा सेट हो गया है और अब हम इसे कट करते हैं। मैंने सारे बर्फी को कट कर लिया है और आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी शेप में कट कर सकते हैं। हमारा मुरमुरे का जो बर्फी है वो अब रेडी है। और अगर आपको हमारा ये रेसिपी अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।